यहाँ पे हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे फंक्शन का, जिसमें हम लोग 5 नंबर्स का एवरेज निकालेंगे। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ 5 नंबर्स यूजिंग फंक्शन। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे void main गेट सी एच, यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ void average। इस टाइप से मैंने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे मैं 5 आर्गुमेंट्स पास करूंगा, 5 आर्गुमेंट्स यहाँ पे पास करूंगा। मैं यहाँ पे सभी को इंटीजर टाइप में लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इंट 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 मैंने 5 आर्गुमेंट्स के लिए यहाँ पे डेटा टाइप को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, डिक्लेरेशन पार्ट हमारा हो गया। अब आते हैं डेफिनेशन पे। यहाँ पे हम लोग सेम वैसे लिखेंगे void average, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 5 वेरिएबल्स यहाँ पे ले लेंगे। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ int a, int b, int c, int d, int e। मैंने 5 यहाँ पे आर्गुमेंट्स ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज फाइंड करेंगे। एवरेज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू ले लेंगे। मैं यहाँ पे फ्लोट की वैल्यू ले रहा हूँ, फ्लोट avg। यहाँ पे हम लोग ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एवरेज, जिसका डेटा टाइप है फ्लोट। अब इस फ्लोट में हम लोग एवरेज को कैलकुलेट करेंगे और असाइन करेंगे। तो एवरेज कैलकुलेट कैसे करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, सभी को हम लोग ऐड कर लिए और डिवाइड कर देंगे 5 से। यहाँ से जो भी वैल्यू होगी उसको हम लोग असाइन कर देंगे ए वी जी में। देन उसके बाद हम लोग को ए वी जी में एवरेज मिल गया है। अब हम लोग उसको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम लोग ने लिखा द एवरेज। और यहाँ पे दे देते हैं परसेंट डी, कॉमा देके यहाँ पे ए वी जी मैं लिख देता हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन बन गया। इस फंक्शन में हमने कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कराया है, इस फंक्शन में हमने कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं किया है। अब हम लोग इसके कॉलिंग पे आते हैं, हम लोग कैसे इसको कॉल करते हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे 5 नंबर इस फंक्शन पे पास करना है, तो हम लोग को यहाँ पे 5 वेरिएबल्स और लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं सेम यहाँ पे ले लेता हूँ इंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। मैं 5 वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अब मैं करता हूँ clrscr, क्लियर स्क्रीन मैंने कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पे मैं इनपुट लूंगा। इनपुट लेने के लिए सबसे पहले एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे हम, एंटर नंबर्स। ठीक है, मैं नंबर एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे स्कैन एफ, और यहाँ पे स्कैन एफ में हम लोग यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर दे देंगे परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी 5 बार। ठीक है, कॉमा देखिए यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एम परसेंट ए कॉमा एम परसेंट बी कॉमा एम परसेंट सी कॉमा एम परसेंट डी कॉमा एम परसेंट ई। हम लोग पांचों वैल्यू हम लोग एक साथ ले रहे हैं। जब भी हम लोग इसमें वैल्यू एंटर करेंगे एक स्पेस रखेंगे हम लोग,
यहाँ पे हमने पांच वैल्यू इनपुट ले लिया। अब ये पांचों वैल्यू को हम लोग पास करेंगे एवरेज में। तो एवरेज को मैं कॉल करता हूँ, एवरेज को मैंने कॉल किया। अब यहाँ पे मैं कॉमा कॉमा से सेपरेट करके ए बी सी डी ई मैंने पास कर दिया। अब ए बी सी डी ई में जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा ए बी सी डी ई। जो भी हम लोग स्क्रीन से इनपुट देंगे वो कहाँ पे पास होगा, इन पांचों वेरिएबल पे पास हो जाएगा, और पांचों वेरिएबल से यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट होगा और वहीं पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोग्राम था एवरेज प्रिंट करने का बाय यूजिंग फंक्शन। अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, सेव करते हैं ए बी जी एफ यू एन डॉट सी। फिर इसको हम लोग करते हैं कंपाइल, कोई भी एरर नहीं आया है। अब इसको कर देते हैं रन। अब मैं यहाँ पे नंबर एंटर करता हूँ, नंबर एंटर करता हूँ यहाँ पे मैं 10, 20, 30, 40, 50। मैंने एक एक स्पेस दिया है बीच में 10, 20, 30, 40, 50। देन उसके बाद एंटर करूँगा तो एवरेज इज जीरो मिल रहा है। ओके, यहाँ पे परसेंट एफ हम लोग को लिखना पड़ेगा, परसेंट डी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, परसेंट एफ होता है फ्लोट के लिए। और यहाँ पे हम लोग वापस से इसको रन करेंगे, फिर से हम लोग एंटर करते हैं 10, 20, 30, 40 और 50। एंटर किए और यहाँ पे हम लोग को 30.000 हम लोग को एवरेज मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे फंक्शन का यूज किया है एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे हम लोग एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम लोग किसी भी नंबर को चेक करेंगे वो इवन है फिर ऑड है, यूजिंग फंक्शंस। फंक्शन को यूज करके हम लोग यहाँ पे नंबर इवन है फिर ऑड है वो हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इवन नंबर इज ऑड और इवन यूजिंग फंक्शन। ओके, हम लोग ने लिखा यहाँ पे हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच हैश इंक्लूड कॉन आई ओ डॉट एच void main get ch हम लोग ने लिख लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे int even underscore odd। इस प्रकार से भी हम लोग अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, नहीं यूज करना है तो यहाँ पे हम लोग इसको कैपिटल कर सकते हैं even odd। इस प्रकार से यहाँ पे मैं एक आर्गुमेंट लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे दे दूंगा इंट। अब हम लोग इसके डेफिनेशन पे आते हैं, डेफिनेशन पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे इंट इवन ऑड। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है, स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो यहाँ पे एरर आने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा लॉजिक है वो लगाएंगे। इवन ऑड को लॉजिक होता है, अगर हम लोग किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं और वो कम्प्लीटली अगर डिविजिबल हो जाता है तो वो इवन नंबर होता है, अगर कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता है तो वो ऑड नंबर होता है। तो यहाँ पे मैं एक आर्गुमेंट ले रहा हूँ एन, और इस एन को ही हम लोग चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इफ n mod 2 equal to 0। अगर completely divisible हो जाता है और कोई भी remainder नहीं आता है, मतलब remainder आना चाहिए 0, तो return करेगा 1, return करेगा 1। अगर कोई भी remainder आता है
तो वैल्यू रिटर्न करेगा जीरो, रिटर्न जीरो। वैल्यू रिटर्न करेगा जीरो, ठीक है। अगर वैल्यू रिटर्न कर रहा है वन, इसका मतलब क्या है, वो ऑड नंबर है, सॉरी इवन नंबर है। अगर वैल्यू रिटर्न कर रहा है जीरो, इसका मतलब क्या है, वो ऑड नंबर है। तो ये हमारा लॉजिक हो गया। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आ जाते हैं अपने मेन में और यहाँ पे हम लोग बाकी के स्टेटमेंट्स लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंट एन, या फिर मैं नम ले लेता हूँ, नम और एक फ्लैग, ठीक है। फ्लैग जो होता है, हमेशा हम लोग स्टेटस को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लेते हैं जिसको हम लोग हमेशा जीरो से इनिशियलाइज कर लेते हैं। देन उसके बाद मैं लिखता हूँ सी एल आर एस सी आर, और यहाँ पे मैं दे दूंगा, और यहाँ पे हम लोग एक नंबर एंटर करेंगे, नंबर एंटर करेंगे तो उसके लिए हम लोग एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ, और यहाँ डबल कोट्स हम लोग लिखे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंटर नंबर, फिर हम लोग लिखेंगे स्कैन एफ परसेंट डी कॉमा देके एम परसेंट नम, नम में हम लोग वैल्यू एंटर कर लिए हैं। अब हम लोग किसको कॉल करेंगे, हम लोग अपने फंक्शन को कॉल करेंगे, इवन ऑड, और इसमें पास कर देंगे नम को, नम को हम लोग पास कर देंगे। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग को एक वैल्यू यहाँ से रिटर्न मिलेगी, वैल्यू यहाँ से रिटर्न मिलेगी, उस वैल्यू को हम लोग को फ्लैग में डाल देना है, फ्लैग इक्वल टू, और यहाँ से जो भी वैल्यू हम लोग को मिलेगी हम लोग किस में डाल देंगे, इसको फ्लैग में असाइन कर देंगे। फ्लैग में दो ही वैल्यू आएगी, या तो वन आएगी या तो जीरो आएगी, क्योंकि फंक्शन हमारा दो ही वैल्यू रिटर्न कर रहा है, या तो वन रिटर्न करेगा या तो जीरो रिटर्न करेगा, दोनों में से कोई एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर हम लोग का फ्लैग की वैल्यू वन आती है, अगर हम लोग की फ्लैग की वैल्यू वन आती है तो हम लोग का नंबर जो है वो इवन नंबर होगा। अगर हम लोग की फ्लैग की वैल्यू जीरो आती है तो हम लोग का जो नंबर होगा वो ऑड नंबर होगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे उसको, हम लोग लगाएंगे कंडीशन, इफ फ्लैग इक्वल टू जीरो, सॉरी फ्लैग इक्वल टू वन, देन उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ नंबर इज इवन, स्लैश एन नंबर इज इवन, एल्स, एल्स हम लोग क्या लिखेंगे, एल्स नंबर इज ऑड, प्रिंट एफ, और यहां पे हम लोग दे देंगे स्लैश एन नंबर इज ऑड, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। अगर फ्लैग की वैल्यू वन होगी तो नंबर इवन होगा, अगर फ्लैग की वैल्यू जीरो हो जाएगी या कोई दूसरी वैल्यू होगी तो ऑड नंबर होगा। यही हम लोग यहाँ पे लॉजिक लिखे हैं, सेम, क्योंकि वैल्यू रिटर्न कर रहा है, वैल्यू कौन कौन सी रिटर्न करेगा, वन वैल्यू रिटर्न करेगा या तो जीरो करेगा, जीरो कब करेगा, जब कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, उस केस पे हम लोग यहाँ पे जीरो करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको करते हैं सेव और हम लोग करते हैं इसको रन, सेव करते हैं, यहाँ पे हम लोग ऑड इवन,
हम यहाँ पे रन करके देखते हैं। मैं इसको सबसे पहले कर लेता हूँ कंपाइल, कोई भी एरर नहीं आया। अब हम इसको कर देते हैं रन। रन हमने किया तो यहाँ पे हम लोग को नंबर एंटर करना है। मैं नंबर एंटर कर रहा हूँ 12। नंबर होगा 12 जो है इवन होगा, तो यहाँ पे नंबर इज इवन आ गया। मैं फिर से एक बार रन करता हूँ और मैं डालता हूँ 11, नंबर इज ऑड। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग का फंक्शन जो है वर्क कर रहा है। अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा तो वैल्यू 1 रिटर्न करेगा, अगर नहीं होगा तो वैल्यू 0 रिटर्न करेगा। इसी नंबर को यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगा के इस फ्लैग के साथ मैच किए हैं। फ्लैग की वैल्यू अगर 1 होगी, क्योंकि जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है ये हमारा फंक्शन, वो किसके अंदर स्टोर हो रहा है, इस फ्लैग के अंदर में स्टोर हो रहा है। और इसी फ्लैग को हम लोग मैच कर रहे हैं एक कंडीशन लगा के 1 के साथ। अगर 1 होगा वैल्यू तो नंबर इज इवन, अगर वैल्यू 1 के अलावा कोई दूसरी होगी तो नंबर ऑड है।